प्रिय साथियों, प्रस्तुत श्लोक श्री हनुमान जी महाराज की महिमा के विषय में हैं तथा परम सिद्ध संत श्री देवराहा बाबा द्वारा कृपा पूर्वक दिए गए हैं। श्री देवराहा बाबा महान योगी थे तथा सदैव वृक्ष के मचान पर रहते थे। उनकी आयु का यथार्थ ज्ञान किसी को भी नहीं, कोई 200 वर्ष, कोई उससे भी अधिक उनकी आयु का अनुमान लगाते हैं। इन्हीं परम संत ने कहा था कि श्री हनुमान जी महाराज के इन 12 नामों का जो भी सोते जागते अथवा घोर संकट के समय स्मरण करेगा, उसे कहीं भी भय नहीं होगा। तो 12 नाम कौन कौन से हैं, सुनिए। हनुमानंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फागुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयै भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचनः। अर्थात पहला नाम हनुमान जी, दूसरा अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट अर्थात श्री राम जी के प्रिय, फागुन सख यानि अर्जुन के मित्र, पिंगाक्ष यानि लाल पीले नेत्रों वाले, अमित विक्रम उदधिक्रमण यानि समुद्र को लांघने वाले, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव से दर्पहा यानि दशग्रीव ने रावण के दर्प को नष्ट करने वाले। इस प्रकार ये 12 नाम श्री हनुमान जी महाराज के गुणों के द्योतक हैं। आप भी श्री हनुमान जी महाराज के इन 12 नामों का प्रातः जागते समय, रात को सोते समय, यात्रा के आरंभ समय अथवा किसी भी घोर संकट के समय अगर आप इसको जप करते हैं, वो जप 3 प्रकार से हो सकता है। मानसिक यानी मन से जाप, जिसमें ना जिह्वा हिले ना होठ हिलें, केवल आपका मन हनुमान जी के चरणों का स्मरण करता हुआ मन ही मन ये 12 नाम जप करता रहे। दूसरा वाचिक, वाचिक मने वाणी के द्वारा आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं अथवा सुन भी सकते हैं। और तीसरा उपांशु जप, उपांशु जप अर्थात आपकी जिह्वा हिले, आपके होठ हिलें लेकिन आवाज़ ना आए, मन ही मन आप होठ और जिह्वा के सहारे इन नामों का जप करते रहें। इस प्रकार से 12 नामों का जो जाप करता है उसको युद्ध के मैदान में, राज दरबार में अथवा भयानक संकट में कहीं भी हो उसको कोई भय नहीं होता और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। बोले हनुमान जी महाराज की जय।